अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान वर्सेस हांगकांग का जो मैच जारी था। पाकिस्तान ने उसमें हांगकांग को एक बड़े मार्जिन से जो शिकस्त दे दी, और जिसके बाद पाकिस्तान जो है वो सुपर फोर में, एशिया कप के सुपर फोर में जो है वो शामिल हो गया। और अब पाकिस्तान का अगला मैच जो है वो 4 सितंबर को संडे वाले दिन जो है वो पाकिस्तान का इंडिया के साथ मैच होगा, और पाकिस्तान और इंडिया का दोबारा से एक बार मैच जो है वो खेला जाएगा पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसमें पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के पास जो है वो चांस होगा इंडिया को जो है वो हराने का। लेकिन पिछली दफा जो है इंडिया ने, क्योंकि पाकिस्तान का जो क्रूशियल मैच जो शिकस्त दे दी, लेकिन इस दफा जो पाकिस्तान जो है वो अपनी फुल कोशिश करेगा, और इंशाल्लाह जो इस दफा पाकिस्तान इंडिया को ज़रूर हराएगा। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान की जो आज की बैटिंग और बॉलिंग की, बैटिंग जो है वो आज खुशनूर शाह ने तो बहुत ही शानदार बैटिंग की। उन्होंने 5 छक्के लगा के जो आखिर पे रन बनाए हैं वो बिल्कुल ही पाकिस्तान टीम के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुए, और पाकिस्तान टीम ने जो है वो हांगकांग के लिए एक बड़ा टारगेट सेट किया, जिसकी वजह से हांगकांग की टीम जो है वो एक बड़ा टारगेट को अचीव करने में जो है वो उनको मुश्किल पेश आई। और उन्होंने शुरू से ही पाकिस्तान टीम के बॉलर नसीम शाह और शाहनवाज दानी, मोहम्मद नवाज और शताब खान, उन्होंने बहुत ही अच्छी बॉलिंग की। आज की पाकिस्तान टीम के जो बॉलर हैं उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की। शताब खान ने जो 4 विकेट्स ली, और नवाज ने जो 3 विकेट्स, और नसीम शाह ने 2, और शाहनवाज दानी ने जो 1 विकेट ली। और पाकिस्तान टीम के जो बॉलर था आज उन्होंने शुरू से जो है वो हांगकांग की टीम को जो है वो प्रेशर में डाल रखा, जिसकी वजह से हांगकांग की टीम जो है वो 38 रन के स्कोर पे जो है वो आउट होगी। पूरी टीम जो है उनके 38 स्कोर पे आउट होगी, और ये एशिया कप में जो है वो उनका हांगकांग की टीम की जानब से, हांगकांग और अभी तक की जितनी टीम था उनकी जानब से सबसे लोएस्ट स्कोर है, और यूएई की तारीख में भी अभी तक का ये सबसे लोएस्ट। पाकिस्तान टीम ने जो है वो आज उनको 155 रन से जो शिकस्त दी, और ये पाकिस्तान टीम की भी एक बड़ी जीत है। जब से पाकिस्तान की 70 साल क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान ने अभी तक किसी भी टीम को इतने बड़े मार्जन से जो है T20 में शिकस्त नहीं दी, और एशिया कप की भी ये पाकिस्तान की जानब से पाकिस्तान को एक एशिया कप में भी एक बहुत बड़ी जीत मिली है, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है अब सुपर फोर में दाखिल हो गया, और पाकिस्तान के अगले मैच जो इंडिया और श्रीलंका और नेक्स्ट जो है वो अफगानिस्तान के साथ खेला जाएगा। तो अब बात करते हैं आज बाबर आजम की बैटिंग के बारे में। बाबर आजम की जो बैटिंग है वो उन्होंने आज भी जो वो 8 रन बना के आउट हो गए, जिसकी वजह से पाकिस्तान टीम जो है शुरू में थोड़ा स्ट्रगल किया पाकिस्तान टीम ने, लेकिन बाद में रिजवान और फखर ने और खुर्शीद शाह ने जो है वो अच्छी बैटिंग करके पाकिस्तान टीम को एक बड़ा टारगेट जो है वो सेट करने में मदद की। और लेकिन बाबर आजम जो है वो पिछले मैच में भी 9-10 रन बना के जो वो आउट हो गए थे, और जिसकी वजह से जो पाकिस्तान पिछला मैच भी पाकिस्तान टीम जो है पिछले मैच में भी काफ़ी मुश्किल का शिकार रही थी। लेकिन बात करते हैं बाबर आजम जो है वो पिछले 10 और T20 की लास्ट जो उनकी इनिंग्स हैं उसमें उन्होंने सिर्फ 2 जो है वो 50+ स्कोर किए हैं, जिसकी वजह से उनकी जो है वो T20 में रैंकिंग जो है वो भी वो गवा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मोहम्मद रिजवान जो है वो T20 में 2 नंबर पर, आज जो उन्होंने 78 रन बनाए हैं, इसकी वजह से लेटेस्ट ICC रैंकिंग में जो है बाबर आजम जो है वो नंबर 1 पोजीशन जो है वो अपनी लूज़ कर सकते हैं, क्योंकि बाबर आजम की लास्ट 10 T20 इनिंग्स हैं उसमें उनकी सिर्फ 2 जो है वो 50+ स्कोर्स हैं, इस वजह से जो है वो बाबर आजम अपनी पोजीशन खो सकते हैं। और उसके बाद में बात करेंगे जॉनी बेस्टो के बारे में, जो इंग्लैंड के जो विकेट कीपर बैट्समैन हैं उनकी इंजरी के बारे में, वो इंजर्ड हो गए हैं, और उनकी भी राइट जो लेग है उसमें फ्रीक एक्सीडेंट की वजह से जो है वो एक उनको इंजरी हुई है, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड कप और इंग्लैंड की जो टेस्ट सीरीज चल रही है उससे भी वो बाहर हो गए हैं। और ये जो है उनको आज का जो उनका प्रैक्टिस सेशन था उसमें वो कहीं आज जो है वो जॉनी बेस्टो गोल्फ खेल रहे थे, जिसकी वजह से उनका उनको पाँव जो है वो स्लिप हुआ और वो उनकी जो है वो इंजरी हुई, और अब जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू।